एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। क्या कुछ वैसा ही हुआ है इस वक्त। ग्रीस के सेना प्रमुख भारत आ रहे हैं और इस खबर से तुर्की के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। क्या ब्रह्मोस की डील फाइनल करने के लिए आ रहे हैं? ग्रीस और भारत आखिरकार ऐसा क्या कर रहे हैं? वहीं दूसरी बात, क्या भारत एक बड़ी गलती कर रहा है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के जहाजों को बचाने क्या रूस ने अपने युद्धपोत को उतार दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में देख रहे हैं ग्रीस को, भारत से बहुत दूर। ग्रीस जो कि तुर्की से काफी नजदीक है, वो भारत के साथ संबंधों को बढ़ा रहा है और इसका बहुत बड़ा प्रमाण है हाल ही में ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आए थे, PM मोदी के साथ मिले थे, तो उसके बाद कई तरह के एग्रीमेंट साइन हुए थे। स्क्रीन पर एक एग्रीमेंट की झलक देख सकते हैं इस आर्टिकल में, जिसमें यूरो बैंक अपना एक ब्रांच भारत में भी खोल रहा है और ये खोलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों देश UPI के जरिए व्यापार करना चाहते हैं, लोकल मुद्रा में भी व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हैंडल करने के लिए यूरो बैंक यहाँ उतर रहा है। ये एक छोटी सी शुरुआत है लेकिन असल खेल अभी बाकी है। ग्रीस के सेना प्रमुख अगले हफ्ता आ रहे हैं भारत, लेकिन हड़कंप अभी से मचा हुआ है तुर्की के अंदर। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हाल फिलहाल में ग्रीस के एक्सपर्ट ने ग्रीस को ये सुझाव दिया कि आप भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद लो, ये मिसाइल हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तुर्की के साथ साइप्रस विवाद में हमें इन मिसाइलों की जरूरत पड़ सकती है। स्क्रीन पर एक जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है साइप्रस। साइप्रस को लेकर तुर्की और ग्रीस में आए दिन झगड़े की नौबत बन जाती है। साइप्रस के एक बड़े इलाके में और तुर्की ने कब्जा भी कर रखा है और बाकी के इलाके में कब्जे के लिए अर्दोगन ने अभी हाल फिलहाल में बयान भी दिया था और कहा था कि हमारी सेना ने गलती कर दी है। अब वैसे तो साइप्रस के जमीन के लिए ये झगड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि साइप्रस के आसपास मिलने वाले तेल और गैस के खजाने के लिए हो रहा है। लेकिन ये लड़ाई कुछ वैसी ही लड़ाई है जैसे कि कश्मीर का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। काफ़ी लंबे समय से दोनों देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू रहते हैं और अभी हाल फिलहाल में नाटो ने आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल अमेरिका नाटो में स्वीडन की एंट्री कराना चाहता था और इस क्रम में तुर्की ने शर्त रख दी कि हमें F-16 विमान बेचने होंगे और हमारे F-16 विमानों को अपग्रेड करना होगा। अब यहाँ पर अमेरिका ने हामी भर दी, तब जाकर ये डील फाइनल हुआ। हालांकि अब F-35 विमान अमेरिका ने बेच दिया है ग्रीस को और कहा है कि आपको हम उससे ज़्यादा शक्तिशाली दे रहे हैं। दोनों ही देशों के सामने एक शर्त रख दिया है कि आप लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि ये लड़ाई में इस्तेमाल तो होगा ही। ऐसे में ग्रीस चाहता है कि भारत के साथ संबंधों को और बढ़ाया जाए। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो ग्रीस भारत के IMEC प्रोजेक्ट में भी जुड़ना चाहता है, दूसरा यूरोप का गेटवे भी बनना चाहता है। अब भारत को ग्रीस के साथ दोस्ती से क्या फायदा है? पहली बात, ग्रीस को गेटवे की तरह भारत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज है और सबसे बड़ी चीज है, तुर्की को काउंटर करना। तुर्की के सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रीस है और ग्रीस और भारत में अब जो सैन्य समझौते हो रहे हैं वो सिर्फ युद्धाभ्यास के लिए नहीं, बल्कि ये जो सैन्य समझौते हैं ये कहा जा रहा है बड़े रूप में होंगे। हालांकि जैसे ही सेना प्रमुख अगले हफ्ता आएंगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हाल फिलहाल में ये कहा गया कि ब्रह्मोस की डील करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि क्या ग्रीस भारत से ब्रह्मोस की भी डील करेगा। अब ये चीज़ हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये तुर्की के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात होगी कि उसके
पास में ही ब्रह्मोस की तैनाती शुरू हो रही है। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम इतना आक्रामक क्यों हो रहे हैं, ग्रीस के साथ हम इतना ज्यादा दोस्ती बढ़ाकर तुर्की के साथ रिश्तों को खराब क्यों कर रहे हैं। उनके लिए स्क्रीन पर एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को देखिए। अभी यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और आर्मेनिया ने एक ट्राइलेटरल मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में तुर्की को न्योता दिया गया कि आप भी आइए, जिस पर तुर्की ने कहा कि जी नहीं, इस मीटिंग में हम नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अजरबैजान नहीं है। जैसा कि अजरबैजान और आर्मेनिया में लड़ाई की नौबत है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, ऐसे माहौल में इस युद्ध को शांत कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तुर्की ने आने से मना कर दिया। ये चीजें दिखला रही है कि अजरबैजान हो या पाकिस्तान हो, दोनों में से किसी को कम से कम जब तक अर्दोगन है राष्ट्रपति तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं, और ये मुद्दा बहुत विवादास्पद बनने वाला है। आपको याद होगा अर्दोगन के दामाद बायर कतार पाकिस्तान आए थे TV2 ड्रोन्स बेचने के बाद, और उस समय उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम सबको दे देंगे TV2 ड्रोन्स, लेकिन भारत को नहीं देंगे। ये दिखला रहे हैं कि तुर्की और भारत के संबंध पहले ही रसातल पे जा चुके हैं, इसलिए जितना ज्यादा डिफेंस मजबूत कर लो उतना बेहतर है। अगर तुर्की के दरवाजे के पास ब्रह्मोस तैनात होता है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है। ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है रेड सी का, लाल सागर। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने जो आतंक मचाया है, उस आतंक का असर ये है कि अब दुनिया भर का व्यापार का एक बड़ा हिस्सा दूसरे रास्तों से हो रहा है। कुछ ऐसे भी विकल्प तैयार किए जा रहे हैं कि अब हम हवाई मार्ग से भेजेंगे, हम जल मार्ग का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, लेकिन हवाई मार्ग भी अच्छा खासा कीमत का पड़ रहा है और ये एक अलग से व्यापार में फटके की तरह पड़ रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से कहा गया था कि 2024 में भारत का व्यापार बहुत बढ़िया रहेगा, इस व्यापार में एक बड़ा झटका है और वो है लाल सागर का। अब यहाँ पर रूस की टेंशन क्या शुरू हो गई कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण ये था कि हूती विद्रोहियों से कौन निपटेगा। दूसरा कारण ये था कि डिस्काउंट मिल रहे थे। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर रूस ने अपने युद्ध पोतों को उतार दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि रूस अपने ऑयल टैंकरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर उतार रहा है अपने युद्ध पोतों को, ताकि भारत जैसे जो उसके बड़े ग्राहक हैं उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप न मानकर हो सकता है अब ये $90 प्रति बैरल हो, चूंकि यहाँ से फिर सुरक्षा भी तो रूस दे रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऑयल का प्राइस क्या है, पर फिलहाल के लिए ये बातें कही जा रही है कि तेल के व्यापार को रूस सुरक्षित रखना चाहता है। भारत के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। वेनेजुएला पर लग सकते हैं प्रतिबंध, ईरान के साथ तो एक अलग ही सीन है। ऐसे में बेहतर है कि रूस से ही खरीदा जाए तेल, क्योंकि अब तो अमेरिका भी तैयार है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।